नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नकली डीएपी खाद की हो रही तस्करी। कृषि विभाग ने बड़ी मात्रा में पकड़ी नकली डीएपी खाद। चेकिंग के दौरान आसाम चौराहे के समीप बरेली दिशा से आ रही बोलेरो पिकअप को पकड़ा है। बोलेरो पिकअप से नकली डीएपी खाद की 50 कट्टी बरामद किए गए हैं। डीएपी द्वारा बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग ने नकली खाद तस्कर को गिरफ्तार किया। नकली खाद तस्कर युवक थाना गजरोला क्षेत्र का निवासी है। ये एक सूचना मिली थी अभी रात के 11:30 बजे और गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर जो आसाम चौराहा पर पेट्रोल पंप है वहाँ पर ये चेकिंग की गई। तो एक बोलेरो पिकअप गाड़ी थी जिसमें 50 बैग डीएपी के हैं और वो नकली हैं, क्योंकि उनसे पूछा गया, दो लोग उस पर सवार थे, एक जो वाहन चालक था वो हरदयाल था और जो उसके साथ एक दूसरा आदमी था वो पंकज गुप्ता है। ये दोनों लोगों को मतलब अभी यहाँ पर चौकी पर ले आए हैं हम लोग और इनको अभी इनकी पुलिस की सुपुर्दगी में दिया जा रहा है, क्योंकि ये खाद का कोई बिल नहीं दे पाए कहाँ से ये खाद लाए हैं और ये देखने से नकली हो रही है, प्रतीत हो रही है। इनके दो सैंपल हमने ले लिए हैं, वो लैब जाएंगे और जो दोनों ये दोषी लोग हैं इनके जो डीएम साहब की परमिशन से इन पर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई की है।